एक तीसरा मुद्दा है जो वैसे मेरी नजर में तो तात्कालिक है, लेकिन वो हम लोग अभी हेडलाइन में रखेंगे इसको, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, क्योंकि अब उसमें नाम सामने आ गए। आइडिया ये था कि नाम सामने नहीं आना है, लेकिन एक कोर्ट ने रूलिंग दी है तो नाम सामने आ गए। उसमें सभी पार्टियां शामिल हैं, आंकड़ा छोड़ देते हैं, वो तो हमेशा रूलिंग पार्टी को ज्यादा मिलता है, लेकिन इससे ये तो पता लगता है कि कॉरपोरेट्स, फिर उनके फ्रंट, फिर उनके दूसरे सैटेलाइट लोग, ये लोग पैसे दे रहे हैं और सबको दे रहे हैं, और ये पैसे का जो प्रभाव है पॉलिटिकल क्लास पे, ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। बीजेपी से उम्मीद थी कि इसको फंडामेंटली एड्रेस करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसका कंप्लायंस इलेक्शन कमीशन कर रहा है, तो मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये प्रयास रहा है कि हम लोग काले पैसे से जो चुनाव लड़ा जाता है वो न लड़ा जाए, जो भी पैसा लड़ा जाए वो अकाउंटेड मनी से लड़ा जाए। अब ये बॉन्ड सही है कि गलत है इसमें मैं नहीं जाने वाला, लेकिन इसका हिसाब क्यों मिल रहा है? क्योंकि अकाउंटेड मनी है। तो इसलिए बीजेपी की भूमिका हमेशा ये रही है कि जो भी चुनाव लड़े उसकी क्या पद्धति हो, बड़े लोग मिलकर तय करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, मैं उसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये मानती आई है कि काले पैसे का प्रभाव ये दूर किया जाना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई रिफॉर्म्स हमारी सरकार आने के बाद किए गए कि पॉलिटिकल फंडिंग कैसी होगी, आप कैश में कितना पैसा ले सकते हो, ऐसे कई चीज़ें हमने किए। अब चूंकि न्यायालय ने एक निर्णय दिया है, उसका अभ्यास होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं उसमें।